दिल्ली वाले सिर्फ अपना ही सोचते हैं, सेल्फिश है काफी, मतलब हाँ अगर दिल्ली वाले सोचते हैं क्योंकि बिजली के बिल, पानी के बिल, तो स्कूल बोल तो पढ़ाई लिखाई तो दिल्ली वाले लोग ही करते हैं ना, तो फिर गुड बाय। तो आपको नहीं अच्छा लगता आपको जैसे फ्री मिलती है बिजली पानी या ट्रैवल करने? नहीं, हमें बिजली पानी फ्री कुछ भी फ्री मिलता ही नहीं, क्योंकि हम उसे एक्स्ट्रा ही जो है एक्स्ट्रा ही पे कंज्यूम करते हैं। मेरे सामने की बात है, तीन दिन से यहाँ पे बीजेपी दारू बांट रहे हैं, सिंपल कर देना, यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं है, सामने खड़ा हूँ ना करने जा रहे हैं स्कूल से एडमिट कार्ड लेके, यही करना है। Good one. So Delhi voted yesterday in state assembly elections and we know the results. So today let's go up to people and ask them what was the reason behind our success and where did BJP go wrong. Election campaign जो था आम आदमी पार्टी का, उसके क्या highlights रहे और BJP के क्या highlights? उन्होंने starting से ही बिजली के बिल या फिर electricity bill या water bill ये सब उन्होंने मतलब almost खत्म कर दिए थे, तो इस वजह से लोग काफी consider करते हैं उन्हें। पहले मुद्दा था शाहीन बाग, मुद्दा ही नहीं था इस बार, शाहीन बाग आया चल गए। दिल्ली में केजरीवाल को बहुत ज्यादा वो है, लाइक लो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। कौन से मुद्दे उठाए? इंटरनेशनल मुद्दे थे, 370 का उठा लिया, 3 तलाक का उठा लिया, स्ट्राइक का उठा लिया, वो तो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे थोड़ी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो लोग मतलब आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं और डिफेम करने में लगे हुए हैं, बट सब आम आदमी भी बांट के गए। फिर क्या चिट्ठे, क्या लिखा हुआ रहा था उसमें, क्या लिखा? झूठ बोल रहे हैं, कुछ काम नहीं किया, पानी नहीं दिया, और आप वाले वो लोग मतलब अपना ही काम करने में लगे हुए थे, क्योंकि बीजेपी तो हमारे फेवर में कर रही है, जो सीआरई एनआरसी है हमारे फेवर में ही कर रही है, लोग कुछ शायद पता नहीं है भी इस बारे में, अनपढ़ है लगता दिल्ली में आज से ज्यादा, उनको इतना नहीं पता, बाकी जो एजुकेटेड पीपल हैं वो सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपको कोई नहीं करता। मेरे सामने की बात है, तीन दिन से यहाँ पे बीजेपी दारू बांट रहे हैं, सिंपल कर देना, यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं है, सामने खड़ा हूँ, सुभाष नगर के अंदर दारू बांट बताता हूँ कैसे बांट रही थी, ये भी बताता हूँ, वायरल करते थे पूरा, कोई दिक्कत नहीं। 10-10 की गटियाँ देते थे, एक नोट देते थे, 10 का नोट फलाने ठेके पे लेके जाओ, इस सीरीज का नंबर वो मैच करेंगे, मिल गया तो एक बोतल देंगे वो, ये था, ये भी था। कुछ जर्नलिस्ट आके बोलते हैं कि दिल्ली वाले जो लोग हैं वो सेल्फिश हैं, उन्हें हम लोग न्यूज देख रहे थे यही सुन रहे हैं। तो उससे आपका क्या कहना है कि दिल्ली वालों को देश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, नेशनलिस्ट हैं हम बिल्कुल सारे, अभी धरना करने जा रहे हैं स्कूल से एडमिट कार्ड लेके, यही करना है। गुड वन। जो मिडिल क्लास और जो उससे नीचे लोग रहते हैं उनकी जो जरूरतें हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, और जो रोज की जरूरतें हैं उनको लगता है कि भाई पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, हमें आना जाना फ्री हो रहा है, तो वो इन छोटी ही चीजों में सीमित हो गए हैं, उन्हें देश के मुद्दों से ज्यादा कुछ लेना नहीं है। तो आपको नहीं अच्छा लगता आपको जैसे फ्री मिलती है बिजली पानी या ट्रैवल? नहीं, हमें बिजली पानी फ्री कुछ भी फ्री मिलता ही नहीं, क्योंकि हम उसे एक्स्ट्रा ही जो है एक्स्ट्रा ही पे कंज्यूम करते हैं। फोटो भी बढ़िया है, मेरे पास फोटो भी चाहिए, फोटो दारू गेस पता है पीता नहीं हूं, पता कहां से लेगा भाई, बट रही थी तो ले। आप क्या दिल्ली से ही है? ये गाजियाबाद से है, तो आपको क्या लगता है ये सब तरीके सही होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए? केजरीवाल सरकार ने इलेक्शन जीता ना अपने काम के दम पे जीता है। मेरे जो पापा है वो वाइस प्रिंसिपल है गवर्नमेंट, उसमें तो मैं उन्हें देखती हूँ कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है, अब उन्हें कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, तो जब से आप आई है तब से मेरे जो पापा है उन्हें बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जो पहले कभी नहीं था वैसा, तो ऑब्वियसली दिखा है कि स्कूल में जो चेंजेस हुए हैं, मतलब फ्री देना 200 यूनिट तक जैसे बिजली और पानी भी कुछ जितना आप इस्तेमाल करते हो, तो ये एनकरेज करेगा लोगों को कि कम से कम बिजली कम से कम पानी इस्तेमाल करें, लाइटें बंद कर दें या जल्द नहीं, नहीं देखो एक्स्ट्रा बिल तो कोई भी पे नहीं करना चाहता, हर कोई जो है अपना जितना इस्तेमाल करना होगा उतना ही करेगा, ठीक है, लेकिन फ्री बांटना गलत है। अगर आपकी अहमियत है, आपके अंदर पैसा देने की ताकत है तो ले लो, पैसे तो ना फ्री कर लेते हो, आप ज़्यादा देखो जिनको रोटी खाने को नहीं है उनके लिए फ्री का फायदा होता है,
जो अपने मैं बताता हूँ हमारे यहाँ पर जो आदमी आता है सफाई करने आता है बहुत बड़े से आता है लेडीज हमारे यहाँ तक आती है 25 बजाने करा 25 बजाने करा उनका नसीब लोगों की फायदा हो गई वाली सिर्फ अपना ही सोचते हैं सेल्फिश है काफी मतलब हाँ अगर दिल्ली वाले सोचते हैं क्योंकि बिजली के बिल पानी के बिल तो धूल बोल तो पढ़ाई लिखाई तो दिल्ली वाले लोग ही करते हैं ना हाँ। तो फिर गुड वन इलेक्शन कैंपेन में उनका मेजर जो फोकस था वो शाहीन बाग और सीए इसके मुद्दे पे था तो वो थोड़ा अगर अपने और भी वो गिनवाते हाँ तो मे बी वो और अच्छे से जो है आ पाते उन्होंने ज्यादा अपने मुद्दे नहीं रखे हाँ, वो आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के ज्यादा बात करते हैं करेक्ट है वो उन्हीं के बारे में बात करते रहे उन्होंने अपना फोकस अपने कामों पे नहीं रखा नहीं ऐसा भी नहीं है ऐसा भी नहीं है एक्चुअली जो बीजेपी वाले हैं वो पूरी भारत के बारे में सोच रहे हैं जो आप वाले हैं वो सिर्फ दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं अगर हम दिल्ली को लेकर चलते हैं तो बीजेपी वाले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और उसके भी जम्मू सोचा इलेक्शन में इन सीजन ने भी रोल प्ले किया जैसे अभी जामिया जेएनयू इन सब पे हमला हुआ और वो पूरा शाहीन बाग को ही लेके पूरा कैंपेन करे जा रहे थे किसके फेवर में गया होगा आम आदमी पार्टी के फेवर में क्या आपको लगता है ये अमित शाह के रेजिम में दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली अभी जो रिसेंट अटैक हुए जामिया जेएनयू वगैरह पे उस सब के चलते क्या एज अ स्टूडेंट डू यू फील सेफ इन दिल्ली अगर हमें निकाला ना जाए बट नॉट इन कॉलेजेस मतलब इतना सेफ नहीं है काफी ज्यादा अभी जैसे आप लोग कॉलेज में जाएंगे नेक्स्ट ईयर तो क्या आपको लगता है विल यू बी फीलिंग सेफ कॉलेज में इस सब के चलते इतना सब कुछ होने के बाद बहुत मुश्किल है कि एक सेफ वो लेके चलना क्योंकि कभी भी जो बंदे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं मतलब कुछ अपना सोच के अपना व्यू रखते हैं तो फिर उनको फिर और ज्यादा अपोज करा जाते हैं और उनके साथ कुछ भी हो सकता है सबसे बड़ी बात ये है जिन बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो जो तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम से निकल रहे हैं वो ही अपने आइडियाज दे रहे हैं उनके अंदर आइडियाज कहाँ से भर रहे हैं तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम से भर रहे हैं जो तुम सिखा रहे हो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा रहे हो अब वो किसी चीज को उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं तुम उसी को कह रहे कि ये चीज तो है ही नहीं तो मोदी जी ट्वीट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है और जो भी पॉलिसीज हैं सब क्रिटिसाइज होनी चाहिए ओपनली लेकिन जब आप प्रोटेस्ट करते हो और जब आप क्रिटिसाइज करते हो जाके तो वो लाठी चार्ज करवा देते हैं वो फायरिंग करवा देते हैं पुलिस के द्वारा हाँ और लास्ट क्वेश्चन आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन का करंट कहाँ तक लगा ईवीएम मशीन का करंट गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे करंट शाहीन बाग के अंदर लगे दबाएंगे शाहीन बाग तक तो नहीं लगा ये तो पता है कहीं लगा और ही लगा है आप गए हम नहीं जाते वहाँ पे आप बताओ आपको क्या लगा कुछ है वहाँ पे हमारे कोई ओपिनियन नहीं है सारे देशद्रोही बैठे हुए हैं हम तो मैं उधर मकसद ही मतलब पहाड़गंज से यहाँ से पहाड़गंज सुधीर चौधरी को जाने नहीं दिया जाता वहाँ पे मुझे एनडीटीवी को जाने दिया जाता फूलमालाओं से स्वागत होता है वहाँ पे सीए का क्या फुल फॉर्म कैसी है हाँ बस ये अभी बता दो बस मैं मुझे पता नहीं है सीए सीए का फुल फॉर्म बताइए इन्हें से पूछिए ना आप बता रहे हैं आप बताइए आप राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं क्या हमें तो लग रहा भाई साहब क्या कहना नहीं बना नहीं हम समझ गए आप साइड बाग वाले नहीं है हम तो बसंत कुंज पे रहते हैं पकड़ लिए हैं आप नहीं नहीं यूपी से Do not forget to hit the like button and subscribe to the channel to watch more such videos.